की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद सभी जातियों में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। ये ऐसे समय में की जा रही है जब देश में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। बिहार के मोतिहारी के कचहरी चौक रोड स्थित गांधी सभागार में बिहार स्तरीय कानून एकता संगठन ने सोमवार को कानून एकता सह सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जातीय हिस्सेदारी की मांग करते हुए नारे लगाए गए। इस सम्मेलन में जिले के 27 प्रखंडों के 396 पंचायत एवं नगर निकायों ने स्व जातियों के साथ बिहार के 38 जिलों के प्रमुख संघ की भागीदारी रही। बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोलकाता के साथ पड़ोसी देश नेपाल एवं भूटान से भी बड़ी संख्या में कानू समाज के लोग यहां पहुंचे। सभी ने नारे लगाए, भीख न हमको भागीदारी चाहिए, सत्ता में हमको साझेदारी चाहिए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ का जो जातीय सम्मेलन का आयोजक टीम का मैं अपना तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी संघर्षों के बावजूद के भीतर से भी इतना कठिनाई रास्ता झेलते हुए भी आज इतना ज़्यादा सहभागिता में जो सम्मेलन संपन्न किया है, इसी माने में हम बेसी से बेसी हम धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा संदेश ये देना चाहती हूँ कि जो उद्देश्य से लागे है, जो शिक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र या समाज में एक ठो इतना सुंदर से सुंदर नगरी बन जाए या हर एक लोगों में शिक्षित हो जाए, वो हिसाब से जो जातीय समुदाय लगे हैं, सबसे पहले वहाँ जो मकसद से लगे हैं वो मकसद जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए कह के मेरा तरफ से शुभकामना ही देना चाहती हूँ। मकसद क्या है राजनीति में भागीदारी? भागीदारी जैसे नीति निर्माण जगह में सांसद के हिसाब से देखना चाहती हूँ, विधायक के रूप से देखना चाहती हूँ, मेयर उपमेयर के हिसाब से देखना चाहती हूँ और वार्ड में मुखिया बोला जाता है, वार्ड के मुखिया के हिसाब से भी देखना चाहती हूँ और पूरी यहाँ इंडिया खाली ना कि पूरे विश्व भर में भी ये कानून समुदाय के ऐसा संदेश फैला जाए कि सब आदमी में जागरण एक ठो पैदा हो जाए कि कानून समुदाय में एकता है और कानून समुदाय जो भी कर सकता है, नीति निर्माण में कानून बना सकता है, संविधान में या सांसद हिसाब से बन सकता है या निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि इतना एगो जागरण पैदा होगा कि ये सम्मेलन जो हो रहा है एक ठो एकता संदेश देने के लिए भी सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का असर नेपाल में भी होता है? नेपाल में भी होता है, नेपाल में भी हम लोग समय समय में करते रहती हूँ। हम लोग भी एगो जात के हिसाब से हर एक बार छलफल भी होता है कि कैसे ये समुदाय पछाड़ी पड़े हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पछाड़ी पड़े वर्ग जो अगाड़ी नहीं बढ़ना चाहते हैं, फिर भी अगाड़ी बढ़ाने के लिए संघर्ष ही है, जीवन ही संघर्ष है, जो संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल, जैसे आप हमारे सम्माननीय अध्यक्ष और जदयू के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष जी से सुन रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एक पहलू ये भी है कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है इस पूरे ज़िले से 2700 प्रखंड से, कि इस पर साल के अंदर नहीं बाहर भी पैर रखने का जगह नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक मकसद इसका ये भी है कि हमारे समाज को अब संगठित एक मंच मिल गया, एक विचारधारा मिल गया है, एक सोच हम लोगों ने बना लिया है और जब एक सोच बन जाता है तो कानून संख्या की इतनी संख्या है कि वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक और सांसद अब जब बनेगा कानून समाज की ताकत से बनेगा। इसलिए हम लोग ये ताकत देने का एहसास बताए हैं कि प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मेरी जो संख्या है मैं अपने बलबूते पर किसी को सांसद बना सकता हूँ और खुद सांसद बन सकता हूँ, ये हम लोग बताए हैं। और दूसरी बात, जो शिक्षित दृष्टिकोण से निम्न थे आज हम लोग उस भी किए हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा समाज सबल बने, मजबूत बने, एक मंच बने। और आपने देखा होगा, आपके सभी चैनल के माध्यम से बताते हैं कि आज सभी समाज जो हमारा आया था वो जग गया है और अब समझ गया है और एकता को पहचान गया है। और आने वाले जो राजनीतिक आका है लोग, उनके भी दिमाग में ये चला गया होगा मैसेज कि कानू को अनदेखा करके अब आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने लोगों को सबल बनाना, अपने लोगों को शिक्षित बनाना, अपने लोगों को जागरूक करना। जो हमारे देश विदेश से नेता आए थे, इस मंच के माध्यम से सभी को अपना संदेश दिए हैं और सभी लोग संतुष्ट होकर के हमारे लोग गए हैं।
कहीं से कोई दिक्कत हमको महसूस नहीं हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम में हम यहाँ के स्थानीय शहर के जो भी नौजवान लोग हैं, खास करके भोला बाबू को, इनके टीम को मैं ढेर बधाई देता हूँ, इनको भी ढेर बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एक साल पहले से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी करके रखा था और इस कार्यक्रम को आज हम लोग सफल में बदला। आज हमारे लोग जगा, हमको महसूस हुआ। मकसद क्या है कार्यक्रम का, किस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम हुआ? आपको तो मैं बताया, आप जो पूछना चाहते हैं मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। आपका दिमाग कहीं जा रहा है कि मकसद मतलब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से मैंने कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, तो सीधी सी बात है। हम जो नोटिस निकाला है, हमने जो पर्चा छापा है, उसमें हमने लिखा है कि हमारे समाज का जो ताकत है, जो आबादी है, उसके अनुसार मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो कोई भी दल हो, कोई भी दल इस समाज को दरकिनार करके अब नहीं चल सकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को हिस्सेदारी मिले आबादी के अनुसार। आप जब आबादी हमको दिखा दिए हैं, पहले लोग हमको बता रहे थे कि जो हम नहीं हैं, फलना है चिल्ला है, अब तो सरकार के पास आंकड़ा है, जिला में आंकड़ा आ गया, हर जगह आंकड़ा आ गया कि कौन सा विधानसभा में, कौन सा लोकसभा में कितना हमारा आबादी है। तो आबादी के अनुकूल तो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये लड़ाई तो जारी रहेगी इसके लिए, इसमें तो कहीं से पीछे हम लोग नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव भी सामने है, किस तरह आपके समाज के लोग किस तरह किसका समर्थन करेंगे इस जुटान के लिए, किस तरह का समर्थन? देखिए, पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, पहले तो हम चाहेंगे कि हमारी हिस्सेदारी हो, जो भी दे हमारे हिस्सेदारी दे, हमारे समाज की तरफ से उसका वेलकम, स्वागत। कब तक हम लोग पिछलऊ बनकर रहेंगे, कब तक हम किसी का मोहरा बनकर रहेंगे? सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मोतिहारी हमको, हम नहीं लड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर नहीं लड़ रहे हैं, अगर हमको हिस्सेदारी के अनुसार, आबादी के अनुसार कोई भी पार्टी अगर हमको टिकट अगर पूरे बिहार में समाज को अगर दे देती है, तो हम तय करेंगे कि कौन पार्टी के लोग इस बिरादरी का कद्र किया है, आबादी के अनुसार टिकट दिया है, उस पर विचार करेंगे और उसके अनुकूल हम लोग अपने लोगों से जाएंगे कि मत करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।